हेलो एवरी वन आई एम रश्मी प्रभा एंड वेलकम टू आर चैनल कम्बाइन सी इज द एक्स्ट्रा स्टेप सो दिस इज द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन फॉर यू जी सी नेट सो इस एक पी डी एफ में कम्प्लीट डिटेल्स आपको मिलेगा रिलेटेड टू नेट एग्जामिनेशन जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ये पी डी एफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एल्स आई विल गिव यू द लिंक यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल ऑल्सो सो एन टी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में गिवेन है आप जब इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो क्लियरली यहाँ पे इंडेक्स पेज पे आपको हर एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट सिलेबस बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको पहले तो मोड में प्रॉब्लम हो रही है कि मोड ऑनलाइन है या ऑफलाइन है पैटर्न कुछ चेंज हुआ है सिलेबस कुछ चेंज हुआ है हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस बुलेटिन इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो आपको इसको क्लियरली चेकआउट करना है रीड करना है नाउ अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिस जो ट्वेंटी अप्रैल को रिलीज़ हुआ है आप एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप कर सकते हैं ट्वेंटी अप्रैल से लेकर टेंथ ऑफ मे से अगेन अप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप करने के लिए आपको ऑनलाइन ही भरना है इस साइट पे जाना है यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है आप जब फॉर्म को फिलअप करें उसी टाइम पर पे पे पेमेंट कर दें एंड मोमेंट के लिए वेट ना करें बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे uh, साइट्स हैंग होंगे तो आपको फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो बट इलेवेंथ और ट्वेल्थ तक आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीस तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें फीस इज़ इलेवन फिफ्टी अगर हम ओबीसी की बात करें फ़ीस इज़ सिक्स हंड्रेड एंड अगर एस सी की बात करें तो इट इज़ थ्री ट्वेंटी फाइव तो आप स्पेसिफिक अपने जो भी आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं या जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करेंगे नाउ फॉर्म को फिलअप कर देना है दस तारीख तक थर्टीन से लेके फिफ्टीन मे तक आपका करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो बट फॉर्म को आराम से भरिए बिकॉज करेक्शन एक ही बार होता है तो आप बहुत ध्यान से भरें कि आप किस सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आपकी मदर्स नेम फादर्स नेम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम ये करेक्ट होना चाहिए बिकॉज ये सारे आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आता है तो इसमें मिस्टेक्स नहीं करिएगा बिकॉज एक ही टाइम आपका यहाँ पे चेंजेस अलाउड है एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें obviously अगर examination आपका सिक्सटीन ऑफ जून को है तो इंटीमेशन ऑफ़ सिटीज आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा एग्ज़ाम के ठीक एक वीक पहले इंटीमेशन ऑफ सिटीज आएगा और आपका एडमिट कार्ड आता है जो रिसेंट एक दो साल से देखा जा रहा है तो इसके लिए वरी होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और सिक्सटीन ऑफ जून को सबका एग्जामिनेशन है मतलब पहले शिफ्ट में होता था यहाँ पे एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर साइंस हर एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक ही डेट को होना है पेपर आपका पैटर्न सेम है मिनट्स का paper होगा, paper one, two, तीन आवर का पेपर 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 होगा होगा इंक्लूडिंग आवर कोई ब्रेक नहीं है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये एज्यूम करके चलते हैं पेपर वन के बाद उनको एक शॉर्ट ब्रेक मिलेगा फिर पेपर टू मिलेगा नहीं आपको जिस रूम में अलॉट होता है आपका एग्जामिनेशन दोनों पेपर होता है अगर आप पेपर वन टाइम से पहले करते हैं तो यू कैन आस्क फॉर द पेपर टू बट दोनों पेपर को बिना अटेम्प्ट आप बाहर तो नहीं जा सकते हैं टाइमिंग आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है, जून को एक ही टाइम पे पे पेपर है। तो ये आप मान के चलिए आपके दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे मॉर्निंग का शिफ्ट और आफ्टरनून का शिफ्ट और अगेन एडमिट कार्ड वगैरह लेटर आएगा इन्होंने क्लियर यहाँ पे मेन्शन किया है तो ये तो बात हो गई रिलेटेड टू द फॉर्म इफ फॉर्म इज ऑलरेडी आउट टू फिल द फॉर्म नेक्स्ट जो काफी इस बार इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आया है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन तो जब आप एग्जामिनेशन का यहाँ पे चेक करेंगे आप स्क्रॉल करके पेज नंबर सेवन पे आएंगे पेज नंबर सेवन में क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बताया है यूजीसी नेट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मोड ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द दर बेस्ड ओनली ओ एम आर का मतलब भी यहाँ पे हो गया कि आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में जैसे डिफरेंट सेट के एग्जामिनेशन होते हैं सिमिलरली उसी मोड में आपका यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा आपको ए एम आर शीट मिलेगी जिसपे आपको सर्किल करना रहेगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर ले सेम पैटर्न है पेपर वन में आपके टोटल नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे पेपर टू जो भी आपका है हंड्रेड आएगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको प्लस टू मार्क्स मिलेगा ओके और एम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा सब्जेक्ट एंड सिलेबस की बात करें तो आप जरूर इस वेबसाइट पे जाइए सिलेबस को चेक कर लीजिए कि वेदर सिलेबस में कुछ चेंजेस है या नहीं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर सिलेबस में कुछ चेंज होगा देन ओनली मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जैसा आपको पता है इंग्लिश में होता है बट हाँ काफ़ी सारे पेपर जैसे हिंदी का पेपर है तो वहाँ पे हिंदी भी मैंशन रहता है तो आप वहाँ पर आपको इस तरीके से आएंगे फिर इसका एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अबाउट द निगेटिव मार्किंग तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए क्लियरली यहाँ पे लिखा है मार्किंग स्कीम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दो मार्क्स मिलेंगे ठीक है अगर क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं कोई भी निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको निगेटिव मार्किंग को लेकर डाउट होता है नो निगेटिव मार्किंग कैंडिडेट्स टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो भी पीजी uh, के स्टूडेंट है अगर आपका पीजी का लास्ट ईयर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो पीजी लास्ट ईयर होना चाहिए आपका अदरवाइज अगर आपका क्वालिफाइड है पीजी देन यू आर सपोज टू फिल द फॉर्म तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है और जैसा आपको पता है कि नेट या जे आर एफ इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग दिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अगर आप पी एच डी करना चाहते हैं तो भी ये कंपल्सरी हो रहा है तो जो भी स्टूडेंट है जिनको टीचिंग लाइन में जाना है दे हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन तो अच्छे से प्रेपरेशन करिए सो दैट यू विल क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सो वी हैव द ऑफिशियल वेबसाइट कम्बाइन एक्स्ट्रा स्टेप आज आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ मे से वी आर स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेट के लिए इम्पोर्टेंट है हम फर्स्ट ऑफ मे से शुरू कर रहे हैं तो इस कोर्स की जानकारी के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी उस कोर्स को अगर इनरोल करना चाहते हैं सो यू कैन एनरोल टाइमिंग आपका मे फर्स्ट से है टाइमिंग विल बी नाइन पी एम सो इन दन इन द मंथ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब टू तो अर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस